नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं गायत्री। रोजाना की तरह रामेश्वरम कैफे में काफी भीड़ थी। दिन का वक्त था, लिहाजा लोग अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में साउथ इंडियन खाना खाने पहुंचे हुए थे। कुछ का नंबर आ चुका था तो कुछ टोकन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तभी एक तेज धमाका हुआ और सब कुछ तहस नहस हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूँ गायत्री। दोस्तों, रामेश्वरम कैफे बेंगलुरु का काफी फेमस कैफे है। ये व्हाइट फील्ड के ब्रुक फील्ड इलाके में है, जो शहर का बिजनेस सेंटर और मशहूर टेक हब है। शुक्रवार दोपहर 1 बजे यहाँ हुए IED ब्लास्ट ने पुणे के जर्मन बेकरी कांड की याद दिला दी। चश्मदीदों की माने तो ब्लास्ट इतना जोरदार था कि उसकी आवाज 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि CCTV फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है और आरोपियों को जल्द पकड़ा जाएगा। शुरुआत में इसे एक सामान्य सिलेंडर विस्फोट की तरह देखा जा रहा था, लेकिन शाम होते होते ये कंफर्म हो गया कि ये सिलेंडर ब्लास्ट नहीं बल्कि IED ब्लास्ट है। CCTV के आधार पर एक संदिग्ध की भी पहचान हुई है और उसे लेकर कैफे के कैशियर से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि उस संदिग्ध ने कैशियर से टोकन लेकर खाना खाया और अपना बैग वहीं रखकर गायब हो गया। पुलिस के मुताबिक एक महिला 6 लोगों के साथ कैफे में बैठी थी, तभी उनके पीछे रखा बैग फट गया। शुरुआती जांच में पता चला है कि कथित हमलावर 25 से 30 साल का यही शख्स है। कैफे और आसपास के इलाकों में लगे CCTV कैमरों के फुटेज की जांच करने वाले एक पुलिस अधिकारी ने कहा, वे कैफे के पास एक बस से उतरते हुए और उसमें चलते हुए दिखाई दे रहा है। उसके चेहरे पर मास्क था। वे कैफे में आया, यहाँ उसने कैश काउंटर पर पेमेंट किया और रवा इडली के लिए एक टोकन लिया। इडली खाने के बाद वे कूड़ेदान के पास एक बैग छोड़कर बाहर निकल गया। कैफे में ब्लास्ट के आरोपी ने लगभग 7 मिनट का समय वहां बिताया। उसके बाहर निकलने के लगभग 1 घंटे बाद बम फटा। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक रामेश्वरम कैफे में हुए इस ब्लास्ट में टाइमर बम का यूज करके विस्फोट किया गया है। कैफे के बाहर मौजूद एक चश्मदीद ने कहा, मैं कैफे के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, तभी अचानक हमने जोरदार ब्लास्ट की आवाज सुनी। हम डर गए कि ये क्या हो गया। कैफे में लगभग 35 से 40 लोग थे। सभी बाहर भागने लगे और अफरा तफरी मच गई। इसी तरह पास की एक कंपनी में काम करने वाले डिलीवरी बॉय ने कहा, मैं ऑर्डर देने के बाद कैफे के बाहर इंतजार कर रहा था और ब्लास्ट हो गया। हमने घायलों को देखा। थोड़ी देर में ही एम्बुलेंस आ गई और पुलिस ने लोगों को बचाया। रामेश्वरम कैफे के सुरक्षा कर्मी रमेश एंट्री गेट के पास खड़े थे जब अंदर ब्लास्ट हुआ। रमेश ने कहा कि ब्लास्ट के अगले 15 मिनट तक मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। मैंने चारों ओर देखा तो पूरा कैफे धुएं से भरा हुआ नजर आया। जबकि कुछ लोग इधर उधर भाग रहे थे तो कुछ फर्श पर गिरे पड़े थे। जो हो रहा था मुझे समझ नहीं आया। फुल ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट आया, इधर आया, क्या हुआ देखने के लिए आया। 15 लोग का पूरा इंजुरी है, 2-5 लोग का पूरा मेजर इंजुरी है। हॉस्पिटल गए इधर आसपास का थोड़ा लोग, वो क्या पता नहीं को बोलता है गैस का सिलेंडर नहीं है, वो गैस का साउंड, वो साउंड ज़्यादा आ गया। उसका रेडिएशन 1 किलोमीटर का रेडिएशन आ गया, उतना साउंड है वो। उसका लोग है ना, वो बोलता है सिलेंडर ऐसा नहीं है, वो पता नहीं एग्जैक्ट क्या हुआ। सिलेंडर स्पॉट नहीं है, हाँ सिलेंडर नहीं है वो। उस साइड का कॉर्नर में वो फुल साउंड आया। आपको बता दें कि ब्लास्ट के बाद ना सिर्फ कैफे में बल्कि आसपास के लोग भी पूरी तरह से सदमे में थे और मदद के लिए चिल्ला रहे थे। कुछ लोग भागते हुए कैफे से बाहर निकले और एक दूसरे से टकराते हुए नीचे गिर गए। एक पानी के टैंकर संचालक ने बताया कि वे विस्फोट की आवाज सुनकर होटल की ओर दौड़ा। उन्होंने कहा, हमने कुछ लोगों को जमीन पर गिरते और खून बहते हुए देखा। हमने तुरंत ऑटो रिक्शा रोका और सभी 8 घायलों को पास के अस्पतालों में पहुंचाया। अब आपको इस ब्लास्ट की पूरी टाइमलाइन के बारे में विस्तार से बताते हैं कि कब क्या हुआ। इससे आपको पूरी घटनाक्रम समझने में मदद मिलेगी। 11:30 संदिग्ध व्यक्ति एक बैग के साथ कैफे में आया। 11:38 उसने कैश काउंटर पर जाकर रवा इडली ऑर्डर की। 11:44 वे वॉश बेसिन के पास पहुंचा। 11:45 कैफे से बाहर निकल गया। उसके निकलने के 1 घंटे बाद यानी कि 12:56 पर ब्लास्ट हुआ। कैफे में हुए जबरदस्त ब्लास्ट के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ऐसी चीजें हो रही है। ये घटना उनकी तुष्टीकरण के कारण हुई है, हम इसकी निंदा करते हैं।
अब बीजेपी प्रदेश सरकार पर हमलावर है तो किसी न किसी को तो सामने आकर जवाब देना ही था। लिहाजा कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार सामने आए और उन्होंने कहा, सीसीबी के इस ब्लास्ट की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। एक दो दिन में आरोपी के पकड़े जाने की उम्मीद है। संदिग्ध की पहचान करने और इसे पकड़ने के लिए 8 टीमों का गठन किया गया है। सीसीटीवी के आधार पर एआई की मदद से आरोपी की तस्वीर बनाई जा रही है। अब हालांकि खुद कर्नाटक के डिप्टी सीएम एआई और सीसीटीवी की मदद से कैफे ब्लास्ट के आरोपी को 2 दिन में पकड़ने का दावा कर रहे हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि वाकई संदिग्ध को जल्द से जल्द पकड़ा जा सकेगा और पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा। तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।